कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। आपको नहीं लगता कि देहरादून के पास में उत्तराखंड में वहाँ जो सिलकवारा और टंडालगंज गांव के टनल जो है वो जितने दिनों से लगभग 16-17 दिनों से जो मजदूर फंसे हैं उनको निकलने की जो कोशिश अब आखिरी पड़ाव पर है, और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो है जब आप देखें तब तक आपके सामने खुशखबरी हो, आप बिल्कुल भावविहल हो गए हों और आपको लग रहा हो कि अरे इतनी कोशिश काम में आई। लेकिन इन कोशिशों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है दुआएं काम आने की। टनल के बाहर जहाँ काम शुरू हुआ था वहाँ पर मंदिर रखा गया और फिर दुआओं का दौर जो शुरू हुआ, आदमी की कोशिश और दुआओं का दौर, और इनसे हमको लगता है कि आज शाम तक आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जो काम लग रहा था, बार बार बीच में लग रहा था कि फंस गया है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डर है, इतने दिन 16-17 दिन तक अगर लगातार इस तरीके से चीज़ें हो रही तो डर स्वाभाविक है। लेकिन जो आदमी, जो लोग इसको कर पाने में सक्षम हुए हैं वो क्या हैं, कौन हैं? दुआओं के साथ साथ जो कोशिश होती है वो कितनी काम आती है? उनको काम करने को जब बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं, जब सब कुछ तमाम प्रयास फेल हो गए, विफल हो गए, तो कभी अमेरिकी मशीन का की सहायता ली गई और फिर उसके बाद ये कोशिश किया गया, जब वहाँ से कुछ दिक्कतें शुरू हुई तो ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाए और तब काम, उसके बाद में वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कोशिश की गई और फिर अब ऐसा लग रहा है अंततः 56 मीटर से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। 1 मीटर का है तो वो हो सकता है जब तक मेरी और आप तक के पहुंचने की बात आए तब तक वो पूरा भी हो जाए। इन मजदूरों को, जो सब मजदूर ज़्यादातर यूपी बिहार और उड़ीसा के हैं, इनको अब यहाँ से निकाले जाने के बाद चिनियाली सोड़ अस्पताल ले जाया जाएगा और उनके लिए सब पूरी व्यवस्थाएं हैं, गद्दा लिहाफ सब पूरी, एम्बुलेंस, मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं। और लेकिन इन सब के बावजूद आपको सब लगता है कि क्या सिखाती है ये घटना, ये घटना हमें क्या सिखाती है और इस घटना जहाँ हुई है वो क्या सिखाते हैं? पहाड़ हमें झुकना सिखाते हैं। हम पहाड़ के सामने दिखते नहीं हैं, आप जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ज़्यादातर लोग झुकते हुए जाते हैं, उसको शरण में जाते हैं उसको, और जब कभी आप तन करके जाएंगे तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ये आपका एक व्यक्तिगत अनुभव होगा मेरे ख्याल से, मेरा तो है ही, आपका भी होगा। जब भी आप तन के जाएंगे आपको दिक्कत होगी, जब आप झुक के जाएंगे तो इस पूरी घटना ने इस बात को और पुख्ता किया है। और साथ साथ जो उनका पहाड़ियों का संघर्ष होता है, जो और उनकी शिद्दत होती है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ याद आया आपको, गया का एक मामला था, एक दशरथ मांझी हुआ करते थे। दशरथ मांझी जो जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता था, और उन्होंने गया के पास गहलोर गांव में एक मजदूर हुआ करते थे। मेरे ख्याल से करीबन 65-66 साल पहले की बात थी कि उनकी पत्नी की मौत जो हो गई थी वो पत्थर के गिरने से हो गई थी और उसी पहाड़ के कारण पहाड़ के पास के अस्पताल वो नहीं पहुंच पाई थी। फिर उन्होंने अकेले दम पर 110 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी सिर्फ एक छतौड़ी और छेड़ी का पहाड़ियों का में इस्तेमाल करके उसको रास्ता बनाया था। 22 साल लग गए थे और उस वजह से आज जो यात्रा है 55 किलोमीटर से घट करके 15 किलोमीटर। लेकिन यहाँ दशरथ मांझी कौन है? यहाँ दशरथ मांझी हैं हमारे, जो जिनको हम रेट माइनर्स कह रहे हैं। आज जब मशीनें फेल हो गई हैं तो उन रेट माइनर्स ने जिस तरीके का, जिस शिद्दत के साथ काम किया है वो सफल हुए हैं। और ईश्वर से मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये सफलता उनको अंतिम छोर तक ले जाए। और रेट माइनर्स, रेड माइनस क्या मतलब हुआ है? चूहे, गणेश जी की सवारी। हम लोग मजाक किया करते थे बचपन में, जब वो मोपेड पे कोई मोटा लंबा चौड़ा आदमी जाता था तो उसको कहा करते थे चूहे पे गणेश जी। तो चूहा जो है वो एक भारी भरकम
को भी ले जा सकता है। और यही काम रैट रखने से किया, जहाँ अक्सर घरों में भी हमारी महिलाएं शिकायत करती हैं चूहा ने काट दिया कपड़ों को या कोई चीज़ उस पर हुई, उन्होंने पूरे पूरे पहाड़ को जहाँ मिट्टी दिखती थी, जहाँ जितनी बाधाएं थी, जहाँ बीच बीच में मशीनें आ रही थी, उन सब को काटते हुए ये सफलता पाने की ठानी है। जो काम ड्रिलिंग से नहीं हुआ वो चूहों ने किया। और ये छह जो रेट माइंडर्स थे बारी बारी से पाइप में अंदर में गए और हाथ के सहारे से उन्होंने फावड़े से खुदाई की, और खुदाई करने के बाद जो मलबा निकाला था वो निकाला। और इनका काम इसके लिए जो उन्होंने जो तकनीकी थी वो बड़ी इस्तेमाल होती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर प्राइवेट ड्रिलिंग होती हैं, खानों में काम होता है, तो ऑक्सीजन मास्क, आँखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और ब्लोअर इनके साथ होता है। और फिर ये अंदर एक जैसे कहते हैं चूहा जिस तरीके से कूदता है वो काम किया उन्होंने, और वो सफलता हमको मिल गई। हम सब जानते हैं कि 12 नवंबर की सुबह इस टनल में जो 2018 से जहां काम इसका शुरू हुआ था धरासू और यमुनोत्री सेक्शन में, उस स्वीकृति मिली थी और उसको बनना था, वहाँ पर बनने की तैयारी हो रही थी, पूरा काफ़ी कुछ इसका काम भी हो गया था। 24 में इसका उद्घाटन लगभग तय था और 12 नवंबर को अचानक मलबा गिरना शुरू हुआ और मेन गेट से 200 मीटर के अंतर तक भारी जमा हो गया था वो मलबा। फिर जैसा कि होता है सरकारें हमारी काम करती हैं, NDRF को लगाया, सोचा गया ये काम कर लेंगे, फिर ITBP, NDRF, BRO को लगाया गया, अमेरिका तक से मशीन मंगाई गई थी। आगर मशीन ने बहुत सारा काम किया, आगर मशीन भारी भरकम आगर मशीन ने काम तो बहुत किया, लेकिन उसके ब्लेड टूट गए। टूटने के बाद में नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट आए और इस आइगर मशीन को जहाँ, क्योंकि बीच में लगता है कहीं कोई हो सकता है JCB मशीन हो, कोई पत्थर हो, क्योंकि वहाँ लगातार काम करते रहते हैं। अगर आप टनल के काम करने का सिलसिले को समझना चाहेंगे तो टनल में वहाँ 2-3 किलोमीटर तक काम होता रहता है, तो ये नहीं होता कि मजदूर बार बार आते जाते हैं, वहीं उनकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, खाना पीना रहने और जो JCB मशीन्स हैं उनका काम या और औजार सब होते हैं। तो ये जो आगर मशीन बार बार टकरा रही थी, किसी एक जगह से टकरा रही थी, बहुत भारी भरकम जगह से टकरा, माना ये जा रहा है कि वो JCB मशीन होगी या कुछ और होगा। अब इनको 3 बार वो तो उसको मतलब उसका काम रोकना पड़ा, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से मशीन का प्लेटफॉर्म धस गया था। और फिर और तरीके से कोशिश की गई, फिर जो है 35 इंच लंबा मोटा पाइप डालकर मजदूरों को निकालने का प्लान बना, और लेकिन ये मशीनें नहीं काम में आईं। और फिर उसके बाद हमारे जो रेट माइनर्स थे उनको उनकी सहायता ली गई और वो एक अजीबोगरीब तरीके से काम किया गया। इसमें रोबोटिक्स की सहायता ली गई, एक लखनऊआ रोबोटिक्स को बुलाया गया जो लगातार मजदूरों पे काम करता रहा, उनको खाना पहुंचाने के अलावा उनकी सेहत के बारे में बातचीत होती रही। और ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन एक अंत भला तो सब भला, ये बात दूसरी, बाधाएं बहुत आईं, प्रधानमंत्री खुद लगे रहे, नरेंद्र मोदी कई बार उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से बात की, पुष्कर सिंह धामी को अपने सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े, चुनावी कार्यक्रम रद्द करने पड़े, वो खुद उसमें लगातार इन्वॉल्व हुए। ये सफलता जहां मानवीय कार्यों की होगी, एक शिद्दत की होगी, एक अलग तरीके से काम करने की होगी, वहीं दुआओं की भी होगी, ये सफलता एक प्रार्थना की भी होगी, और उसी के नाम पर ये सफलता मानी जाएगी। मैं अभी तो मान रहा हूँ कि हम सफल हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हमें उसकी कमियों पे भी ध्यान रखना होगा कि 2018 में जब ये टनल शुरू हुई थी तो इसमें इसके पैकेज का जो प्रावधान था उस पर बहुत सारा काम क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो देखना होगा, और ये भी हमें देखना होगा कि 2021 में भी एक बार जब भूस्खलन हुआ था तो क्या वजह रही होगी, क्या कहीं कोई प्राइमरी लाइनिंग में तो काम में कमी नहीं आ गई थी। ये एक ऐसे कुछ
सवाल भी हैं जो बार बार उठाए होंगे, लेकिन मुझे तो बार बार ये लगता है सिर्फ और सिर्फ पूरे देश की दुआएं, पूरे देश की दुआएं, उन मजदूरों के परिवार की परिवार वालों की दुआएं, हम सब की दुआएं काम आई हैं। और उन दुआओं की वजह से 17-18 दिन तक वो मजदूर अकेले लेकिन बहुत उत्साह के साथ, उस उनके चेहरे जो बाद में हमें बीच बीच में वीडियो से दिखे हैं, वो कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको मौत का खौफ है, लेकिन फिर भी वो सामने आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है आगे भविष्य में कभी ऐसा ना हो और ये सब लोग अपने परिवार वालों से मिलें, देश के अच्छे भविष्य में और आगे काम में आएँ। मैं तो एक और बात कहना हूँ, और इन मजदूरों के अक्सर सोचते होंगे, कई बार मजदूर कह रहे हैं मेरी माँ को ना बताना, मेरी माँ ने ये माना होगा, तो कई बार कई तरीके होता है, मन में आपके बहुत सारे ख्याल आते हैं। एक इस मौके पर इस मौजू है एक बात, अभी जिंदा है मेरी माँ मुझे कुछ नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ के साथ चलता हूँ। मुनव्वर राणा का ये शेर हमारे साथ ज़िंदगी में हमेशा काम आए, यही एक कामना है हमारी। नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।